अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयद सादित। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डकी बाई जैसे थंबनेल क्रिएट करके सिखाने वाला हूं। तो अगर देखा जाए डकी बाई अपने थंबनेल्स के अंदर तकरीबन 4 चीज़ें ऐड करते हैं। एक उनका बैकग्राउंड, दूसरा उनकी अपनी फ़ोटो, तीसरा उसके साथ में जो एक स्ट्रोक होता है शेडो वो, और नंबर 4 पर उनका एक टेक्स्ट। तकरीबन 4 से 5 चीज़ों को मिलाकर डकी बाई का एक थंबनेल क्रिएट होता है। तो सेम इस तरीके का मैं आज आपको थंबनेल क्रिएट करके सिखाने वाला हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल सैयद सादी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके से एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन आपने यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने इमेज साइज पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कस्टम ऑप्शन देने को मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है। अब उसके बाद हम फिलहाल के लिए अपने इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करते हैं। तो आपने इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 थंबनेल क्रिएट करके सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पहले वाले थंबनेल का यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैंने एक व्लॉग बनाया है, मैं ज़ू में गया हूँ, तो उस तरीके से मैं कोई भी एक फ़ोटो बना लूँगा ज़ू की। आप भी एक जिस तरीके से जहाँ भी आप गए हैं आपने वहाँ के फ़ोटो बना लेनी है। तो तकरीबन ये ज़ूम की एक फ़ोटो है, तो इसमें जो है एक टाइगर है, तो ये मैं बैकग्राउंड पर ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे इमेज साइज़ देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें से आपने 16:9 सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये यूट्यूब का अपना साइज़ होता है। उसके बाद आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह करके इसको यहाँ से आपने टिक कर लेना है। अब उसके बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने रिलेटिव साइज़ पर आना है और इसको आपने यहाँ से फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपने लेयर पर क्लिक करके इसको यहाँ से लॉक कर लेना है। लॉक आपने हर लेयर को ज़रूर करना है, उससे ये इधर उधर हिलेगी नहीं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। जैसे डकी बाई अपनी फ़ोटो ऐड करते हैं तो आपने प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम गैली पर जाना है, और उसके बाद आपने अपनी यहाँ से एक फ़ोटो ले लेनी है। सो यहाँ पर मेरी एक फ़ोटो है PNG में। तो अगर आपको वीडियो फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने का नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लिप कर लूँगा। उसके बाद इसको मैं यहाँ से टेक कर लेता हूँ। टेक करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद इसको मैं कुछ यहाँ पर एक साइड पर इस तरीके से लगा लूँगा। लगाने के बाद आपने यहाँ आगे आना है, आपको यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपने क्लिक करके यहाँ से इनेबल करना है, और यहाँ से आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि डकी बाई भी वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे आना है, आपको यहाँ पर एक शेडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, शेडो आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है, उसका भी आपने यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका ब्लर रेडियस आपने यहाँ से फुल कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ लास्ट में हम अपना एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेंजरस टाइगर। तो मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर लिख लेता हूँ डेंजरस टाइगर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेंजरस लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आगे आना है, यहाँ पर आपको एक पहले ऑप्शन देने को मिलेगा AB फ़ॉन्ट का। तो यहाँ से आपने अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा लेना है। तो मैं यहाँ से ये जंपर वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कलर आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं यहाँ से वाइट ही रहने दूँगा। उसके बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और यहाँ आपको आगे आना है, आपको यहाँ पर एक कर्व का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर्व कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं यहाँ से टिक करूँगा। टिक करने के बाद इसको मैं कुछ यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ब्लैक कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जितना स्ट्रोक देना चाहें आप इसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब उसके बाद इसको मैं कुछ यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करके इसको यहाँ से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अगेन आपने यहाँ से एक और टेक्स्ट लेना है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइगर। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद सेम वही वाला फ़ॉन्ट भी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है पीछे कलर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से ये येलो कलर कर लूँगा। अब उसके बाद अगेन यहाँ आगे कर्व पर आऊँगा और इस पर ये वाला कर्व वाला ऑप्शन अप्लाई कर लूँगा, और इसको मैं कुछ यहाँ पर लगा लेता हूँ डेंजरस टाइगर। अब लास्ट में अपना एक एरो ऐड कर लेता हूँ, ये एरो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ से टिक करूँगा। टिक करने के बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोटेट कर लूँगा टाइगर की तरफ कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इसका अगर यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपने कलर बनाना है उसको यहाँ से आपने इनेबल कर लेना है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से इसको कलर कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर कर लेता हूँ।
उसके बाद मारा थंबनेल यहाँ पर बनकर रेडी है। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से आपने कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करना है, इसको सेव टू गैलरी आपने कर लेना है। अब दूसरे नंबर पर मैं आपको डकी भाई का ये वाला थंबनेल क्रिएट करके सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए भी सिंपली से आपने यहाँ तो डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूज़ एज इमेज फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से मैं ये मलेशिया कंट्री की एक फ़ोटो है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेम वही वाला साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लूँगा और उसके बाद टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करूँगा और यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो को ऐड करूँगा। तो मेरी यहाँ पर PNG है, तो यहाँ पर मैं इस PNG को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरी PNG है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पर लगाने के लिए। उसके बाद आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आपको स्ट्रोक पर आना है और यहाँ से आपने स्ट्रोक इनेबल कर लेना है वाइट कलर में। उसके बाद इसको आपने कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसका यहाँ से शेडो भी ये इनेबल कर लेना है। अब उसके बाद अगेन ये यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लैंडेड इन मलेशिया, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लैंडेड उसके बाद इन मलेशिया। उसके बाद इसको मैं ऐसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले इसका एक यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। पिक्सेल ऐप के आपको फॉन्ट दिख जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट अच्छा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला फ़ोन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपने आगे आना है, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसको यहाँ सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद इसके बाद इसको मैं कुछ यहाँ पर ऐड करता हूँ और स्ट्रोक में आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रोक ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ये भी थंबनेल यहाँ पर बनकर रेडी है। उसके बाद आपने अगेन इस ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको अल्ट्रा में सेव कर लेना है। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। मिलेगी इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।